नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार हम लोग घर से बाहर जाते हैं, यानी कि कहीं शादी है किसी की, कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, तो अपने घर को सूना छोड़ के जाते हैं। सूना छोड़ के जाते हैं मतलब घर में मान लो दो ही सदस्य है और दोनों को ही कहीं जाना है, तो जाहिर घर पे आपको ताला लगाना पड़ेगा। एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दो तीन दिन, चार दिन, आठ दिन, दस दिन के लिए अगर आप बाहर जाते हो तो आपको डर लगा रहता है कि यार मेरे घर में चोरी ना हो जाए, या मेरे घर में कोई आगजनी नहीं हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए। इस प्रकार की बहुत सारी चिंताएं आपके मन में रहती है, जिसकी वजह से आपका मन वहां पर नहीं लगता जहां गए हुए। तो इस बात को दूर करने के लिए ना, आपके घर को सुरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। और बहुत ही ईजी है, बहुत ही साधारण तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि एक तांबे का कलश लेना है, यानी तांबे का एक लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भर देना है, ठीक है। तांबे के लोटे में आपने क्या करा, जल भर दिया। उस जल में यानी उस लोटे में आपको थोड़ी सी काली तिल डाल देना है। काली तिल डाल दी, पहले लोटा लिया काय का, तांबे का लोटा लिया, उसमें जल भरा, जल भर के उसमें काली तिल डाल दी, ठीक है। और जब आप काली तिल उसमें डाल रहे होंगे, तब आपको भगवान शिव का एक नाम लेना है, भूतेश्वर शिव। भगवान शिव के बहुत सारे नाम है, उसमें से एक नाम है भूतेश्वर शिव, क्योंकि भूतों के ईश्वर हैं, इसलिए उनका नाम भूतेश्वर भी है। तो भूतेश्वर शिव का नाम लेते हुए आपने वो काली तिल डाल देना है, और काली तिल डालने के बाद उसको एक प्लेट से ढक देना है, यानी कलश के अंदर पानी, पानी के अंदर आपने काली तिल डाली। काली तिल डालते समय आपको भगवान शिव का, भूतेश्वर शिव का नाम लेना है, और इसके बाद आपको उस प्लेट को, उस जो लोटा है या कलश है, उसको प्लेट से ढक देना है। इसके बाद उस कलश को, प्लेट से ढके हुए कलश को, आप घर के किसी भी जगह रख दीजिए। जब आप घर से बाहर जाने वाले हो, शादी में या कहीं पर भी जाने वाले हो, तो आप उसको घर में कहीं पर भी, जहां आपके जो सुटेबल जगह लगे वहां पे आप रख दीजिए। इसके बाद ताला लगा के आप कहीं भी चल जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए, आपके घर का कुछ भी नहीं होगा, यानी ना तो उसमें कोई चोरी होगी, ना कोई आगजनी होगी, ना कोई उस पर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप कलश रखेंगे, वहां पर भगवान शिव की जो योगिनियां होती है वो आपके घर की रक्षा करने लग जाती है। अगर मान लीजिए किसी ने ये दुस्साहस किया, किसी ने ये कोशिश की आपके घर को क्षति पहुंचाने की, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाए, चोरी करके या किसी भी प्रकार से, तो एक महीने के अंदर अंदर उन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है, उनके अंदर वो कांपने लगेंगे, धूझने लगेंगे, और उनके अंदर एक भूत पिशाच, जिसको कहते हैं आ जाते हैं किसी किसी को, इस प्रकार की उनके अंदर हरकत होने लगेगी। तो अगर आप ये करते हो तो पैसे तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि कोई अंदर आ ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए आ भी गया तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, घर को तो वो नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर वो घर के अंदर भी प्रवेश कर गए तो उनके साथ ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप कहीं जाते हैं, अक्सर बाहर जाते हैं, और चार छः दिन, दस दिन, बारह दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। और इसमें कुछ ज़्यादा आपको मशक्कत करनी भी नहीं, बहुत इजीली इस